नमस्कार दोस्तों, पलंबर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हो हाइप फ्लो काबा का ये डाइवर्टर फ्यूजन मॉडल है गाइस। सामने देख सकते हो डाइवर्टर हाई फ्लो फ्यूजन कलेक्शन। काबा एक काफ़ी बढ़िया रेंज है, दिल्ली की कंपनी है, काफ़ी एक बढ़िया कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है गाइस। क्वालिटी काफ़ी बेहतर आती है, तो मैं इसके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ। इसके सारे प्रोडक्ट आते हैं, एसेसरी से लेके फॉसेट सब, मतलब ऑल एसेसरी अवेलेबल होती है, सीपी फिटिंग सारी। तो गाइस ये है इसकी प्लेट, इसको हम देख लेते हैं, हाई फ्लो डीपीएल। और गाइस हम देखते हैं इसका मेन डाइवर्टर। ये डाइवर्टर का बॉक्स है, काफ़ी हैवी लग रहा है गाइस। ओपन करके आपको बताते हैं गाइस, काफ़ी हैवी वेट आता है इसके अंदर। और एक और बॉक्स है जिसके अंदर आपको हैंडल देखने को मिलेगा। तो हैंडल इसमें आपको बता दूँ और कुछ भी नहीं है, और एक एलंकी देखने को मिलती है जिससे इसको टाइट किया जाता है, लगाया जाता है, और इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो बस ये है हमारा इसका हैंडल, जो ब्रास का है विथ ये इंपोर्ट वाले माल होते हैं गाइस, चाइना से आता है ये इंपोर्ट हैंडल, कौन सी भी कंपनी का ले लो, इसलिए सच्चाई क्लियरली बता रहा हूँ। ब्रास के अंदर हैंडल आता है, काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेड क्वालिटी का हैंडल है। अदर में ये कस्टूड का आता है गाइस, इसके अंदर ब्रास का देखने को मिलता है गाइस, काफ़ी हैवी आता है। और ये पूरा गाइस इसका डाइवर्टर काफ़ी हैवी वेट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है। जैक्वार का मैंने उठाया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट लगा है मुझे, तो क्वालिटी में बेटर है ये। तो ये सारी चीज़ें इसकी बता देता हूँ, और इसकी प्लेट भी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। प्लेट की शाइनिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट आती है गाइस, ब्रास के अंदर नहीं आती है, क्वालिटी काफ़ी बेस्ट आती है गाइस। देख सकते हो ये इसके रबड़ वाइसर है जिसमें ये लग जाएगा। तो गाइस और इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, काफ़ी हैवी वेट है, रियली काफ़ी हैवी वेट में दिखता है। और जो ये हैंडल है ना, ये भी ब्रास का है गाइस, जो ये चीज़ ब्रास की देखने को नहीं मिलती आजकल। जो इसका जो कंसील्ड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिट होती है, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है गाइस। देखिए हाई फ्लो डाइवर्टर और लो फ्लो डाइवर्टर का कंपैरिजन किया हुआ है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या लास्ट वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए हाई फ्लो और लो फ्लो में क्या डिफरेंट होता है। जो इसकी कार्ट्रेज का डिफरेंट होता है, ये ऊपर वाला है, एक तरफ शोर चलता है, एक तरफ आपका जो नल होगा वो चलेगा, दोनों चीज़ें कंप्लीट, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म। तो ये कुछ मैं के डाइवर्टर का काम करता है। ये ऊपर की तरफ है शोवर, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है गाइस, उसी हिसाब से आप लाइनिंग कर सकते हो। नीचे स्पॉट दिया हुआ है, स्पॉट का कनेक्शन किस तरफ होता है। और ये कोल्ड पानी का है इधर राइट साइड, और लेफ्ट साइड हॉट वाटर है गाइस। लिखा हुआ है HNC, दिखा देता हूँ मैं आपको कम्प्लीटली। ये देखिए सी लिखा हुआ इधर कोल्ड है, और H लिखा हुआ है इधर हॉट पानी, गर्म पानी इस लेफ्ट साइड से। तो ये लाइनिंग करते हुए आप ध्यान रखिए कि कौन सा पानी किधर है, ये लाइनिंग हमेशा याद रखिए। अगर फिटिंग कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, और फिटिंग का भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, कैसे फिट करते हैं गाइज। और अभी मैं आपको इसको फिट करके बताता हूँ गाइज, किस प्रकार का ये दिखेगा फिट करने के बाद। ये इस प्रकार का गाइज काफ़ी बढ़िया दिख रहा है गाइज। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग अप्रोक्स 4500 रुपये में पूरा सेट पड़ जाएगा आपको, ऊपर की जो अपर पार्ट्स सारे मिला के इंक्लूड, सारे पार्ट्स जो इस बॉक्स में सारा है। अदर कंपनी की बात करूँ तो 2500 से 3000 का डाइवर्टर आता है, अपर पार्ट्स लगभग 5-6 हज़ार रुपये में आते हैं। ये टोटली 4500 रुपये में आपको अप्रोक्स पड़ रहा है, काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है गाइस, सॉरी काफ़ी सस्ता पड़ रहा है गाइस। एलंकी से इसे टाइट कर सकते हैं। और अदर कंपनी की बात करूँ तो मिनिमम आपको 5500 से 10,000-15,000 तक के डाइवर्टर देखने को मिलेंगे, ये 4500 में विथ ब्रास। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।